चित्रकूट की घटना। माँ सीता मजाक करती भगवान से, रोते भगवान बहुत ज्यादा। तो माँ सीता कभी छुप जाती जंगल में, और सीता छुपती तो भगवान राम परेशान हो जाते। जब माँ सीता एक दिन छुपी तो भगवान राम ने खूब पुकारा, नहीं आए। रोने लगे, बोलते हैं वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, वित्र वित्र वाचम कुत्र सीते गतात्वम परिहर परिहासम सर्वथा मे दुस्तहज्यम। अरे सीते कहाँ गई हो तुम, मेरे से ऐसा मजाक मत करो, मेरे से सहन नहीं होता है। रोने लगे। अब माँ सीता ने देखा कि भगवान तो सच में अब रोने लगे, मेरे लिए व्याकुल हो रहे। हंसती हुई दौड़ती हुई आई, पता क्या कहा, त्वतनु खलु तनु जाम हंतम सर्व सहाया। तो इस निष्ठुर धरती की बेटी है ना, सब कुछ सहन कर लेती है। सीता हम दशरथ के बेटे बड़े कोमल चित है, हम क्षत्रिय हैं, दिखने में कठोर हैं, स्वभाव से उग्र हैं, हम कोमल चित हैं। और क्या कहा पत्नी को मजाक में, निष्ठुर की बेटी, कोई बड़ी बात तो नहीं कही ना। पति और पत्नी के बीच की बात है, पति ने अपने पत्नी को क्या कहा, निष्ठुर की बेटी, कोई बड़ी बात नहीं कही। पर कर्म ऐसा, मनसा वाचा कर्मणा वाणी का कर्म भी रिटर्न मिलेगा। लव कुश 11 बरस के हो गए, सरयू के तट पे आए, राम कथा सुना रहे। भरत जी नित्य सरयू स्नान के लिए जाते, संध्या वंदन भरत जी सरयू के तट पर करते। भरत जी ने सुना कि दो ये ऋषि कुमार सरयू के तट पर राम कथा गा रहे। कहते भैया महल में आए, राम के पास कहा कि भैया दो ऋषि कुमार वहां राम कथा गा रहे हैं, आपकी अनुमति हो तो महल में लेके आऊं। आपने वन में 14 वर्ष क्या क्या किया, कैसा कैसा रहे, वो सब वृतांत तो सुना रहे हैं, लेके आओ। आए लव और कुछ सुंदर राम कथा सुनाई, जाने लगे। माँ कौशल्या पूछ पड़ी, मेरे राघवेंद्र सरकार सिंहासन पर बैठे हैं, अरे पुत्र तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। कैसी विडंबना रही होगी ना, दादी पोते से पूछे कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। कुछ कहते हैं मां हमारे पिताजी का नाम वाल्मीकि है। कहते वो तो सन्यासी है। कहते हाँ वो हमारे गुरु हैं, और गुरु ही हमारे लिए हमारी माँ, हमारा पिता, हमारा सर्वस्व, मेरी साधना, मेरी प्रतीक्षा, मेरा ध्येय, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व, मेरी समग्र चेतना का चिंतन मेरा गुरु है। यहां तक कि वो मेरा भगवान है। मां बाप तो लौकिक हैं, शारीरिक तक हैं, वो हमारे पिता है। कहा कि नहीं नहीं बेटा, जन्म तो हुआ होगा कहीं, कुछ नाम तो होगा तुम्हारे पिताजी का, नहीं मालूम नहीं। पर ये लव है ना जो छोटे वाले, ये कहते भैया मैं जानता हूं पिताजी का क्या नाम है। भरत जी खड़े, भरत जी का स्वभाव बाल स्वभाव है। संत का 3 प्रकार का स्वभाव होता है, या तो जड़वत होता है, जड़ कहते मूर्ख की तरह, या उन्मद होता है, या पागल की तरह होता है, बालवत या बच्चे की तरह होता है। भरत जी बोल पड़े, हाँ बोलो बोलो क्या तुम्हारे पिताजी का नाम। कुछ कहते महाराज ये बच्चा है, ये इसको क्या पता पिताजी का क्या नाम है। लव फिर कह पता है, भैया मुझे मालूम है पिताजी का नाम, माँ ने बोला था। झुंझुला कर कुछ बोल पड़े, कब बताया माँ ने पिताजी का नाम। कहते याद नहीं है, जिस दिन हम शेर के बच्चे को जंगल से पकड़ कर लाए थे
कमर में चढ़कर उसके दांते गिन रहे थे। माँ क्या बोली थी, अरे निष्ठुर के जायो छोड़ दो, बच्चा है मर जाएगा, महाराज हमारे बाप का नाम निष्ठुर है। राम ने मजाक में पत्नी से कहा और पुत्रों के मुख से सुनने को मिल रहा है कि हमारा बाप का नाम निष्ठुर है। ये कर्मों की बड़ी गति बड़ी गहन है। गीता में शायद सारी समस्याओं का समाधान कृष्ण अर्जुन की किया, पर जब अर्जुन ने कर्मों के विषय में पूछा, भेद तो बताए कर्मों के, अकर्म विकर्म सुकर्म का, पर पल्ला काट दिया कृष्ण जैसा महायोगी बोला, कर्मणों गहनो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है, तत्काल आगे खिसक गई। बोले नहीं, पूरा गीता का खोल कर देखो, बताया नहीं गीता के में कर्मों के विषय में, भेद तो कर दिए। कह दिया अर्जुन कर्मणों गहनो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है, इस लफड़े में मत पड़। आगे निकल गए कृष्ण जैसा महायोगी, कृष्ण बंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु। और यहां पिता पूछ रहा है, अरे बेटा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मालूम नहीं महाराज पिताजी का नाम क्या है। क्यों महाराज, मां ने कभी बताया नहीं और हमने कभी पूछा नहीं, तो क्या मां का नाम तो मालूम होगा ना? हां महाराज, क्या है आपकी मां का नाम? महाराज मेरी मां का नाम सुनीति है। इतना सुनते ही अंक से लगा लिया, माथा चूमा, रोया राजा उत्तानुपात, अपने आंसू से अपने पुत्र के केश मानो धो दिए हो। उत्तम देख रहा दौड़ता हुआ गया मां के पास, मां पिताजी ने न जाने किसको गले से लगा रहे। जब तक आकर देखा तो महाराज उत्तानुपाद ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा रखा है, उसे लाड कर रहे, प्यार कर रहे, स्नेह कर रहे, उसको पितृत्व सुख दे रहे हैं, जिस सुख से अभी तक वो वंचित था और जिस सुख का वो अधिकारी भी था। ये सुरुचि ने देखा, ध्रुव की बाह पकड़ी और नीचे उतार दिया। राजा को डांटा भरी सभा में, खबरदार ऐसा काम किया तो दूसरे को बच्चे को गोद में ले तो मेरा बेटा खड़ा रहेगा। उत्तानुपात कहते कि ये अपना बेटा है, सुनीति का बेटा है। कहते क्या वह मेरे गर्भ से जन्म तो नहीं लिया ना? और ध्रुव से कहते, ए ध्रुव सुन, तुझे यदि अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठना है ना, जंगल में जा, बड़ी सुंदर बात कही, भगवान का भजन कर, बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि भगवान से मांगना कि ये देह छूट जाए, मेरा दूसरा जन्म हो सुरुचि के गर्भ में हो। यहां पर इसने भगवान के भक्त को और भगवान को अपने गर्भ से नीचे समझा। मेरे नारायण, ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास आया, आंखों में आंसू ओष्ट फरक रहे, आंखों में रक्ति मां। व्यास जी लिख रहे कि ओह मान क्षत्रियाणाम, कहा कि देखो इन क्षत्रियों को तो देखो, क्या क्षत्रियत्वपन है, क्या सूरता है अभी से इनके जीवन में, गुण दोष और स्वभाव। ये जन्म जात वंशानुगत होती है ना, वंशानुगत। मेरे नारायण, ये हमारे जेनेटिक गुण है, ये वंशानुगत है, ये मेरे गोत्र से मिले हैं, हमारे पूर्वजों का ही तो रक्त है हमारे शरीर में। देखो कुछ बहुत लंबे समय से भारत की वर्ण व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए
पूरी की पूरी पश्चिम सभ्यता पीछे लगी है। कहते इनके यहां तो भेदभाव है, कहते ना, ओ बाबा हमारे यहां भेदभाव नहीं है, हमारे यहां चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश और शूद्र। मुसलमानों में भी है ना, शिया, सुन्नी, सैयद और पठान। हमारे यहां जैसे सात गोत्र मुख्य है ना, उनके यहां 72 फिरके हैं। और फिर अलग की ये बरेलवी अलग, देवबंदी अलग, अलाना अलग। ईसाइयों में दो है, एक ये कैथलिटिक, एक ये नॉन कैथलिटिक। हमारे यहां कोई भेद नहीं है। हमारे यहां जिस मंदिर में ब्राह्मण प्रवेश करता है, पूजा करता, उसमें क्षत्रिय भी करता, उसमें वेश भी करता, उसमें शूद्र भी करता, ऐसा ही है ना जी। जिस मस्जिद में सुन्नी नमाज अदा करता, वहां शिया नहीं करता है। जिस चर्च में ये एक दूसरा प्रेयर करता, वहां तीसरा नहीं करता है। पक्षपाती हम, पक्षपाती कौन हुए, भेद करने वाले कौन हुए, हम हो गए। वाह, हमारे यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था थी। हमको बेटी का ब्याह करना है तो अपने कुल पुरोहित और नाई से कह देते कि भाई देखो ठाकुर साहब रिश्ता तय कर लो, और हम पक्षपाती। वाह भैया, और हमारे जो अपने लोग ना, वो भी कहते हाँ महाराज हम यहाँ पक्षपात है। ए बाबा पक्षपात नहीं है, हमारी व्यवस्था है। वो कहते कि सब एक है, तो कौन मना कर रहा, सारे मनुष्य प्राणी एक ही हैं, कोई नहीं नकार रहा है। लोग कुत्ते पालते हैं ना, नस्ल देके पालते हैं ना कि किस ब्रीड का कुत्ता चाहिए। भैंस रखते ना किसान लोग, गाय भैंस, कहते कि उसकी ऐसी सींग होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे थन होने चाहिए, नस्ल देखते, देखना भी चाहिए। हम घर में बहु लाए नस्ल ना देखें, ताकि सब एक हो जाए। वाह भैया, एक तो उस सूक्ष्म चेतना से एक ही है। सुनिश्चेवा स्वपाकिश्चा पंडिता समदर्शन है, जो तत्व एक स्वपाकी ब्राह्मण के अंदर है, वही कुत्ते के अंदर भी है। तत्व रूप में वही प्राण है, वही साक्षी, वही चेतना है, वही कूटस्थ है, वही शक्ति है, वही आत्मा है, वही श्वास है। पर भेद है ना व्यवस्था का। तो हमारे यहां क्या भेद था, क्या व्यवस्था थी हमारी, हमारी थी रोटी और बेटी की व्यवस्था। और आज सबसे ज्यादा खतरे में क्या है मालूम, हमारी रोटी और हमारी बेटी बहुत मिक्स होने लगी। रोटी और बेटी ध्यान रखना, ये भेद नहीं था कि हम आपके हाथ का नहीं खाते, जिनसे रिश्ता नहीं करते थे उनके हाथ का नहीं खाते थे, हमारी बेटी बची रहे। आज शादी ब्याह में ये बफर सिस्टम सारा चौपट कर दिया। तो ये हमारी अपनी एक व्यवस्था है। इसमें कोई भेद नहीं है हमारे यहां, हमारे यहां जाति भेद नहीं है, हमारे यहां वर्ण भेद नहीं है। हाँ व्यवस्था है। एक छोटा सा ऑफिस है, उसमें ना कोई मैनेजर होगा, ना कोई प्यून होगा, ना कोई कुछ, ना क्लर्क, ना कुछ, ना कैशियर, चल पाएगा? तो इतनी सनातन की बड़ी व्यवस्था कैसी चलेगी? और उस सनातन की दो जड़ें, एक रोटी है, एक बेटी है। वैसे विरोध करेंगे,
विरोध भी करेंगे कि नहीं हमारा सब एक है। पर भैया जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूलों से पढ़ के निकले ना, सरकारी लिखती ना तुम्हारी उसमें नागरिकता भारतीय, जाति फलाना फलाना, फिर उपजाति, और आरोपित करेंगे हमको, गाली देंगे मनुष्य स्मृति को, और वो मूर्ख गाली दे रहे जिन्होंने शायद मनुष्य स्मृति के कभी दर्शन भी ना किए हैं। पता नहीं कि वो मनुष्य स्मृति क्या है, क्या लिखा उसमें। मेरे नारायण, जाति गुण धर्म और स्वभाव नहीं बदलता है। भगवान हो सकता है, सिद्धता की स्थिति को प्राप्त हो सकता है, पर जिस कुल खानदान जाति वर्ण में शरीर को पैदा हुआ है, वो मां बाप का खून, वो डीएनए कैसे हटाओगे? वो नहीं हटता है, उस तो स्वभाव आएगा ही आएगा। और ये डीएनए तो मरने के बाद भी नहीं हटता, ध्यान रखना। ये हमारी मांस में, हमारी मज्जा में, और मज्जा के बाद हमारी अस्थियों में, हमारे केसों में, हमारे रोम रोम में चिपका है हमारा डीएनए। सुखदेव जी कह रहे ओह मान क्षत्रियाणाम, इन क्षत्रियों को तो देखो, मां ने क्या डांटा इस छोटे बच्चे को 5 बरस का, इसके ओंठ फड़क रहे हैं, आंखों में रक्ती मां है, लाली मां छा गई, और रोते रोते अपनी मां के पास आया, मां महाराज जी ने तुम्हें महल से क्यों निकाला, मां सुरुचि ने तुम्हारा अपमान किया, मां सुरुचि ने मुझे महल से धक्का दिया, मां तुम्हारा क्या दोष था, मां मां समझाती बेटा वो तुम्हारी मां है, मां का नाम नहीं लेना चाहिए। कहते मां फिर उसने मुझे महल से क्यों निकाल दिया, आपके लिए क्यों कहा कि ये अभागन का बेटा है, मां पता उसने क्या कहा कि जंगल में जा भगवान का भजन कर। मां कहती है बेटा ये सच है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पर तुम्हारी असली मां तो सुरुचि है, जो ज्ञान मुझे तुमको देना चाहिए था वो सुरुचि ने दे दिया, चले जा जा मां, कल चले जाऊंगा, सांझ होने को हो गई, मां के अंक लग कर रोने लगे ध्रुव, मां कल चले, ना बेटा कल नहीं अभी जा, मां भूख लगेगी। बेटा जब तू गर्भ में था ना, 9 मास गर्भ में रहा, उस परमात्मा ने तेरी वहां व्यवस्था की, और जब तेरा जन्म हुआ था ना बेटा, तेरे दांत नहीं थे, मेरे अस्तनों में उसने तेरे लिए दूध भर दिया था, तेरे दांत आए तो उसने तेरे लिए खाने के लिए पूरे भोग पदार्थ उपलब्ध करा दिए थे। बेटा वो परमात्मा सबकी व्यवस्था करता बेटा, तो ठीक है मां कल चले जाऊंगा, ना बेटा अब भी जाना पड़ेगा, मां जंगल में शेर होंगे, रीछ होंगे, मां बानर होंगे, मुझे खा जाएंगे, मां नहीं बेटा तुम्हें नहीं खाएंगे। ध्रुव मना करने लगा कि मां नहीं जाऊंगा, सुबह चले जाऊंगा, तो मां कहती ध्रुव यदि तू मेरा बेटा है ना, तुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। ठीक है मां, जाने लगे ध्रुव। देखो जब तक ध्रुव सामने था मां ने एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। मां नाम त्याग का है, बलिदान का है, समर्पण का है। मां सोचती है कि यदि मैं रो जाऊं, मेरे आंखों से आंसू गिरे, ध्रुव का मन कमजोर पड़ जाएगा। ध्रुव जब जाने लगे, मां निहारती है ध्रुव को जहां तक दिखाई दे रही है, मां फूट फूट कर रोई।
ध्रुव जा रहा है, कहां जाना कोई पता नहीं, क्या खाएगा मालूम नहीं, कहां रात बसर करेगा कोई पता नहीं। जैसे कोई सदशिष्य सदगुरु की तलाश में रहता है ना, वो सिद्ध योगी भी किसी शिष्य की तलाश में रहते हैं, और शायद किसी प्रमाणिक गुरु, किसी सिद्ध गुरु को पाकर शिष्य खुश हो या ना हो, गुरु की वो बड़ी खुशी होती है किसी अच्छे शिष्य को पाकर। पिता से ज्यादा खुशी होती है गुरु को जब कोई उसको अच्छा शिष्य प्राप्त होता है। वो सुख पिता नहीं प्राप्त कर पाता जो गुरु अच्छे शिष्य को लेकर प्राप्त करता है। नारद जी आ गए, अरे ध्रुव कहां जा रहे हो, भूखा मरेगा क्या? कहते नहीं महाराज, भूखा नहीं मरूंगा। कहा कि फिर? कहा कि भगवान व्यवस्था करेंगे। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो क्या दांत न देगो, अजान को देत अजान को देत क्या रे, तो हमको ना देगो, जान को अनजान को सबको देता क्या, तो हमको नहीं देगा। परीक्षा ले रहे हैं, अरे बेटा जंगली जानवरों का भय है, खा जाएंगे। नहीं बाबा नहीं खाएंगे। क्यों? मेरी माँ ने कहा है। कितना विश्वास रहा होगा ना अपनी माँ की बातों पर। मेरी मां ने कहा है कि तुम्हें जंगली जानवर नहीं खाएंगे। नारद ने कंठी पहना दी, मंत्र दे दिया, कहा कि बेटा इसका जाप कर। मधुबन में आके जाप करने लगे। तिरात्र त्रिरात्रंते कपिता बद्राशन। तीन दिन और तीन रात्रि में एक बार उठते, साधना का कर्म ध्रुव का, और एक बेर का दाना खाते। तीन दिन और तीन रात्रि के बाद पहला दिन शुरुआत, साधना कर्म बढ़ाया। बारह दिन बारह रात्रि में उठते केवल जल का पान कर रहे हैं, वो भी त्यागा। आगे आगे जैसे कर्म आगे बढ़ा, श्वास को पोंछा दिया। ये ध्रुव की जो साधना है ना, ये श्वास की साधना है। उपनिषदों में बड़ा सुंदर उल्लेख है इसका कि ध्रुव कितने बार कुंभक पूरक और रेचक किया करते थे। छह महीने में जैसे प्रवेश ध्रुव की साधना का हुआ, श्वास लेना रोक दिया। जो हमारी श्वास लेने और छोड़ने का जो गैप है ना, वही प्रवेश करा दे श्वास का, समय को बाधित कर दिया। देवता लोग भगवान के पास गए, भगवान मधुबन में कोई तप कर रहा है। भागवतकार कह रहे हैं कि ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, वो नारायण ध्रुव के दर्शन करने के लिए आया है। ध्रुव के सामने चतुर्भुजी रूप में खड़े हो गए। अंदर की जो मनमोहनी लावण्यता की झांकी थी वो अदृश्य हुई, छटपटाए ध्रुव आंख खोले थे, वो नारायण चतुर्भुजी सामने खड़े। देख रहे हैं, निहार रहे हैं, बोलते नहीं कुछ। ध्रुव मन ही मन में सोच रहा है कि मां से तो ये पूछा नहीं कि क्या मांगना है, और भगवान भी सोच रहे कि ये तो मांगने के लिए कुछ आया था, पर इसको मालूम नहीं कि क्या मांगना है। ध्रुव सोच रहे मालूम नहीं कि क्या मांगना है। नारायण हंसे, ध्रुव हंसे, स्वर्ग लोक में बैठा देवता लोग हंस रहे। साहब परीक्षित को कथा सुना रहे सुखदेव स्वामी, हंस पड़े राजा परीक्षित भी हंस पड़े। सूत जी से सोनक जी पूछे ये सब क्यों हंस रहे हैं? भगवान तो इसलिए हंस रहे हैं
कि इसको कुछ मांगना है पर इसको मांगना नहीं आ रहा है। ध्रुव इसलिए हंसे, माँ ने ना बताया ना हमको आता मांगना, क्या मांगूं। और देवता इसलिए हंस रहे कि लास्ट एक चांस हमको मिल जाए जीवन में, ऐसे भगवान सामने खड़े हो देने के लिए तैयार हो, तो वो लिस्ट बना बना कर हंस रहे। सुखदेव हंस रहे हैं कि धन्य है मेरे गोविंद, मेरे नारायण, तेरी कृपा, तेरा गुणानुवाद गाने को अवसर प्राप्त हो रहा है। परीक्षित हंस रहा है कि अच्छा वह ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया, जिसके श्राप का फल स्वरूप मुझे गोविंद की चर्चा सुनने को मिल रही है। भगवान ने अपना पंचजन्य संक ध्रुव के गाल पर स्पर्श कराया, ध्रुव को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। बड़ी सुंदर स्तुति की ध्रुव ने, योन्ता प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीव वत्य किल शक्ति धराश्वदामना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणात्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कहते ध्रुव कुछ मांगा कि भगवान, पहले तो सच ये है कि आया ही मांगने के लिए था, कुछ साधना से और कुछ आपकी अनुभूति के दर्शन के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है, खत्म सी हो गई है। भगवान कहते मांगना तो पड़ेगा। नारद के द्वारा समाचार भिजवा दिया महल में, महाराज उत्तानपाद को समाचार दे दो कि तुम्हारा पुत्र ध्रुव आ रहा है। ध्रुव से कहा कि तुम राज करो और बाद में स्वलोक धाम आओ, वहीं दे दीप्यमान होना। महल में खबर मिली, अब बड़ी सुंदर फूलों की माला लेकर राज्य की नगरी पर, पता सबसे आगे पता कौन खड़ी थी? सुरुचि, जिसने धक्का मारा था। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। मेरे नारायण, जब भगवान प्रतिकूल हो ना, तो जो हमारे अपने हो सब मुख मोड़ लेते हैं। अब भगवान जब कृपा करने लगे ना, कितना भी बैरी हो ना, कितना भी दुश्मन हो, वो तुम्हारा मान सम्मान करेगा भगवान की कृपा। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया, अपना आप साधना के लिए चल पड़े। उनका छोटा भाई उत्तम उनके साथ साधना में रह रहे। महाराज ध्रुव अपना राज्यकाल बड़े सुंदर ढंग से व्यतीत करते हैं। मृत्यु का जब समय आया, मृत्यु के पांव सर पर पांव रखकर उत्तर दिशा की ओर ध्रुव गए। देवताओं से आगे जो विमान में जा रहे थे कहा कि रुको, मैं बड़ी भूल कर आया, मैं तो अपनी माताओं को छोड़ दिया हूं। कहते छोड़ा नहीं, तुम्हारी दोनों माताओं का विमान तुम्हारे आगे जा रहा है। जिस कुल में कोई भक्त पैदा होता है उसके 21 पीढ़ियां तर जाती है, और जिस कुल में संत पैदा होता उसकी 30 पीढ़ियां तरती है। पर संत भेष बनाने के बाद, धारण करने के बाद, उस धर्म की उस साधना को ना निभा पाए, 30 पीढ़ियों को नरक में डालता है। भक्त ना पैदा हो कुल में तो 21 पीढ़ियां नरक जाती है।
केवल बेनिफिट तो ही नहीं चाहिए, लॉस कौन उठाएगा। और इसीलिए तो रोते हैं ना अर्जुन, की शंका यही थी कि लुप्त पिंड धड़क क्रिया, हमारी लुप्त जो पिंड प्रक्रिया वो रुक जाएगी। मेरे नारायण, ध्रुव महाराज आज भी उत्तर दिशा की ओर दे दीप्यमान है, शायद समय भी हो गया, हो गया हाँ। चलो बाणी, समय की अपनी सीमा है। मेरे नारायण, आज कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे, विश्राम देंगे, आरती का समय, और उससे पूर्व हमारे गुरु भाई महंत यशवंत गिरी जी भी आपको एक बड़ा सुंदर भजन सुनाएंगे। देखो हमारे ये गुरु भाई है ना, आप लोग जब यहां रहते हो तो अभी थोड़ा अफसोस, इनसे कुछ योग सीख लो, ये बड़े सुंदर योगी हैं। और गला तो आपने देख ही लिया ना, कंठ भी बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर गाते हैं। मेरे नारायण, परसों कहा था कथा 11 बजे से होगी, तो आप 12 बजे आए, कल 12 बजे कहा था 1 बजे आ जाएगा, एक घंटा लेट चलते हो क्या, ऐसा ही है क्या। माता लोगों कोई फिक्स समय भी बता दिया करो, इतनी देर में अपनी कुछ साधना कर लूं, हमको भी लगी रहती कि अपना समय पे चले जाए। तो कल जो है भगवान वामन का प्राकट्य मौसम मनाएंगे आचार्य जी, हाँ, और आगे तो पूरा महोत्सव ही मनाना है ना, हाँ। तो चलो देख लेना, आप बात कर लेना, माइक से सूचित दे देना, है ना, कल भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे, राम जन्म महोत्सव मनाए, कल वामन जन्म महोत्सव मनाएंगे, क्योंकि कथा का भी बड़ा विस्तार है। और कभी कभी मन में एक लोभ सा रहता है कि ये भी परोसा जाए, ये भी परोसा जाए, गुरु मुख से जो श्रवण किया है हम लोगों ने गुरुदेव के चरणों में बैठकर, तो अभी भी मन में ये इच्छा रहती है कि उडेला जाए, पर क्या करें, होता है, समय का अभाव है, कोई बात नहीं। मेरे नारे, उसके बाद हमारे आचार्य जी जो है आपको बताएंगे वामन जन्म मौसम कैसे मनाना, क्या मनाना है, हाँ, क्योंकि हमारे गुरु भाई लोग भी करते कि आप संगीत प्रेमी लोग हैं, हाँ, होना चाहिए, प्रेमी हो किसी भी चीज के हो, हाँ, होना चाहिए। मेरे नारे, आप लोग जब सांझ का भजन संध्या होता आप सभी लोग आया करो और कीर्तन भजन कर लिया करो, 6 बजे से 7 बजे तक, ये हमारे गुरु भाई गाते हैं, ये हमारे आचार्य जी, देखो ये पप्पू जी, और सांझ को आरती भी होती है, यद्यपि शुद्धम ना लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, परंपरा तो यही कि एक बार आरती कर लो, भागवत जी की आरती हो गई, उसके बाद तुम अपने मंदिर मठ की आरती करते रहो, अब कितनी बार घुमाओगे, पर चलो जो आप लोगों को आदत है कोई बात नहीं, आप लोगों की भावना का सम्मान है, आप लोग आ जाया करो, कर लिया करो, 10 बार करो, 24 बार करो, जितनी बार करनी है कर सकते हो, भगवान की परिक्रमा किया करो, भगवान की आरती होगी उसके बाद प्रसाद, उससे पूर्व जो है हमारे गुरु भाई आपको एक भजन श्रवण कराएंगे, और कल की व्यवस्था के विषय में भी आप बताएंगे, और फिर उसके बाद आचार्य जी बता देंगे कैसे क्या क्या रहेगा। अब वाणी को विराम, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, मेरे गुरु भाई की बड़ी कृपा है, बड़ा आप जो है करते होते, और समझता हूं चाहता हूं कि हमेशा ऐसे ही
Thank you.
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल भगवान बावन महाराज का प्रकटोत्सव सब लोग मिलकर बनाएंगे, उसके लिए एक छोटा सा बालक जिसकी झांकी बना करके बावन के रूप में यह प्रतिष्ठित करेंगे और सब लोग मिलकर के उनका पूजन अर्चन वंदन करेंगे। तो सब लोग समय से भी कल कथा में पधारे, थोड़ा विलम्ब से आते हैं तो महाराज जी को भी आने में दिक्कत होती है। महाराज जी तो 12 बजे से तैयार बैठे रहते हैं, हम ही कहते हैं अभी महाराज जी कोई नहीं आया, क्या करेंगे मंच पे आके। तो कुछ लोग आ जाया करो, टोली बना लो कि कुछ 15 लोग आज पहुंच जाओ पहले कर, दूसरे दिन 15 लोग पहले पहुंच जाओ।